हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्ट शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ये नया पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए। हमें एक एक फंदा दोनों तरफ एक्स्ट्रा चाहिए और गैप के लिए हमें ये 2 फंदे चाहिए और इस डिजाइन के लिए हमें ये 7 फंदे चाहिए। हमें टोटल 9 फंदे चाहिए इसके लिए। फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम पहली सिलाई में पहला फंदा ऐसे सीधा निकाल लेंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे निकाल लेंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे निकाल लेंगे। फिर फ्रेंड्स जो हमारा ये एक फंदा है, तीसरा फंदा, ये इसमें से हम ऐसे डालकर ऐसे थोड़ा बड़ा करके इसको निकाल लेंगे। इसमें से हम 3 बार निकाल लेंगे। फिर हम पहले हमने अब ये आगे की साइड से लिया है, अब हम इसमें पीछे की साइड से लेंगे 2, फिर हम आगे की साइड से एक बार और लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने थोड़े लूज रखने हैं फंदे, और जो हमारा ये बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे सीधे वाला बुन लेंगे। फिर हमने इस फंदे में से फ्रेंड्स ऐसे ही 3 बार निकालना है, एक आगे से, एक इसी फंदे में पीछे से, फिर एक इसमें आगे से। देखिए फ्रेंड्स 3 फंदे हमारे ये हो गए, एक फंदा हमारा ये बीच का है और 3 फंदे हमारे ये हो गए। अब हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर हमें 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर हमें पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे बनाने। अब हमें इस फंदे में से 3 बार निकालना है, एक इसको हमें लूज रखना, 2 और एक ये 3। फिर हमें बीच वाला फंदा फिर बुनना है, सीधा बुनना है, और हमें 2 फंदे अब हमें इस फंदे में से 3 बार दोबारा निकालना है, एक 2 और एक ये 3। फिर हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें जो हम एक फंदे में से ये 3-3 फंदे बना रहे हैं, इनको हमने थोड़ा लूज रखना है। फिर हम इसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी ऐसे ही रिपीट कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर इस फंदे में से तीसरे फंदे में से हम 3 फंदे बनाएंगे, 2 3। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम अगले फंदे में से 3 फंदे बनाएंगे, एक 2 और एक ये 3। फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। हम इसको पूरी को ऐसे ही रिपीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे करेंगे और एक फंदा लास्ट का हम ये सीधा करेंगे। अब हम इसके आ गए हैं उल्टी साइड। उल्टी साइड में फ्रेंड्स हम पहला फंदा उल्टा निकाल लेंगे। देखिए हम ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम ऐसे उल्टा निकाल लेंगे, और जो हमने फंदे पीछे उल्टे किए थे इधर हमने ये 2 फंदे सीधे करने हैं। फिर हम आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे करेंगे, और जो हमने फ्रेंड्स ये 3 एक फंदे में से 3 फंदे किए थे 2 बार, 3 ये और 3 ये और एक ये बीच का, इन 7 फंदों को हम ऐसे ही बिना बुने सिलाई पे उतार लेंगे। ऐसे ही 7 के 7 फंदों को हम इस सिलाई में बिना बुने ही उतार लेंगे। अब हम 2 फंदे उल्टे करेंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे करेंगे, फिर आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे करेंगे। अब हम इन 7 फंदों को, 3 फंदे ये वाले और जो हमारा ये बीच का एक फंदा सीधा था फ्रेंड्स, इसको हमने हर बार ऐसे बिना बुना ही उतारना है। फिर 3 फंदे हमने ऐसे ये बिना बुने उतार लेने हैं। ये हमारे टोटल 7 फंदे बिना बुने उतरेंगे। 3 तो जो हमने एक के 3 किए थे 6 फंदे में और एक फंदा बीच का। इसके बाद हम 2 फंदे उल्टे, इधर हमें फ्रंट जो फंदे उल्टे दिखेंगे उन्हें हमें उल्टा बुनना है, जो फंदे सीधे होंगे उन्हें हमें सीधा बुनना है। फिर हम पीछे सिलाई करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे, फिर हमने ये 7 फंदे बिना बुने उतारने हैं। फिर हमने 2 फंदे ये
उल्टे बुनने हैं। धागे को हम थोड़ा सा लूज रखेंगे फ्रेंड्स इसको, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे करने हैं, फिर दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर हमने ये सात फंदे बिना बुने उतार लेने हैं। फिर हम ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब हम आ गए हैं इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड में फ्रेंड्स हम एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके जो फंदे हमने ये तीन हमारे ये और दो ये, इन पांच फंदों को हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार कर हम उल्टी साइड, पहले जो हमारे दो सीधे फंदे हैं इस उल्टे हाथ की सिलाई को डाल लेंगे, फिर हम फ्रेंड्स ये जो हमारे ये तीन फंदे हैं इनको हम आगे डाल लेंगे और फिर इन तीन फंदों का हम एक कर देंगे ऐसे। हमें अब हम इन तीन फंदों का फ्रेंड्स ऐसे एक कर देंगे और जो हमारे ये सीधे फंदे थे इनको हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब हम आगे वाले पांच फंदों को उतारेंगे, दो ये सीधे और एक जो हमारा ये एक में से तीन बनाए हुए हैं, लेकिन जो हमारा बीच में पहले एक फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब हम इन फंदों को उतार कर देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पीछे वाले सीधे फंदों को सीधे हाथ को वाली सिलाई में डाल लेंगे और जो हमारे तीन एक फंदे का तीन है उनको हम उल्टे हाथ में डाल लेंगे, फिर इनको हम वापस इसी सिलाई में डाल देंगे और फिर इन फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे और इन फंदों का तीन का हम ऐसे डाल के अंदर पीछे से तीन का एक कर देंगे। अब आगे धागा करके दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके अब फिर हम वैसे ही करेंगे। ये पांच फंदों को हम ऐसे, फ्रेंड्स तीन फंदे तो हमारे एक फंदे में से बनाए हुए हैं और दो फंदे सीधे हैं, इन पांच को हम ऐसे नीचे उतार कर पहले सीधे फंदे को उसी सिलाई में डालेंगे, फिर इन तीन फंदों को हम दोबारा इसी सिलाई में ऐसे डाल देंगे और फिर इन तीन फंदों का हम ऐसे आगे से एक कर देंगे और फिर हम इन दो फंदों को सीधा बना लेंगे और जो हमारा ये बीच वाला एक फंदा है इसे भी हम सीधा बना लेंगे। अब हम इधर से पांच फंदे नीचे उतारेंगे ये, और इन दो फंदों को हम इस सिलाई में डालेंगे। पहले हम तीन फंदों को डालकर फिर दो फंदों को वापस उसी सिलाई में डालेंगे, फिर इन दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे और जो हमारे ये तीन फंदे हैं इनको हम ऐसे पीछे से तीन का एक कर देंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स पूरी ऐसे ही रिपीट होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने अपनी पूरी ऐसे रिपीट कर ली है। हमने इनको इधर तीन फंदों को पहले इधर पलटा है, फिर तीन फंदों को इधर पलटा है। अब हम आ गए हैं उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फ्रेंड्स हमने पहला फंदा ये उल्टा निकालना है और दो फंदे हमने ये सीधे निकालने हैं। फिर हम आगे धागा करके दो फंदे उल्टे करेंगे, तीन फंदे हम उल्टे करेंगे। फिर फ्रेंड्स जो हमारा ये बीच वाला फंदा है ये वाला, इसको हम ऐसे बिना बुना ही उतारेंगे उल्टी साइड में। फ्रेंड्स ये बीच वाला फंदा हर बार बिना बुने ही उतरेगा। फिर हमने तीन फंदे उल्टे बनाने हैं ऐसे, फिर हमने पीछे धागा करके दो फंदे उल्टे, फिर आगे धागा करके तीन फंदे उल्टे और ये बीच वाला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर आगे धागा करके हम ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं फ्रेंड्स हम वैसे ही बनाएंगे और ये बीच वाला हम ऐसे ही उतार लेंगे।
फिर हम आगे धागा ही रख के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर आगे धागा करके तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और बीच वाले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए हमारी ये पूरी सिलाई ऐसे ही रिपीट होनी है। लास्ट का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चार सिलाइयों का डिजाइन है और देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, पहला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके दो फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे और तीसरे फंदे में से फ्रेंड्स हम तीन बार निकालेंगे, एक दो फिर ये तीन। इन फंदों को हम थोड़ा लूज ही रखेंगे, बीच वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर हम इस पहले फंदे में से फ्रेंड्स इसमें से तीन बार निकाल लेंगे, एक दो और ये तीन। फिर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे और फिर आगे धागा करके हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये पूरी सिलाई फ्रेंड्स ऐसे ही रिपीट होएगी। देखिए हमने अपनी पूरी सिलाई बुन ली है, अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड में फ्रेंड्स जो फंदे हमें जैसे दिखते हैं वैसे ही निकालने हैं। पहला फंदा ऐसे उल्टा, फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, और हमने फ्रेंड्स जो ये एक में से तीन फंदे किए थे, तीन फंदे ये पहले वाले और एक फंदा जो बीच का है हमारा ये फंदा, और तीन फंदे फिर जो एक में से तीन किए थे, इन सात फंदों को हम बिना बुना ही उतार लेंगे, फिर आगे वाले दो फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे उल्टे, फिर हम ये सात फंदे ऐसे सिलाई में बिना बुने ही उतार लेंगे। ये सिलाई पूरी ऐसे ही निकलेगी। देखिए हमने अपनी ये सिलाई पूरी निकाल ली है, अब हम आ गए इसकी सीधी साइड पे। सीधी साइड और तीसरी सिलाई फ्रेंड्स हम इसकी पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके फ्रेंड्स जो हमारे ये दो सीधे फंदे और ये तीन फंदे हैं इनको हम पांच फंदों को ऐसे नीचे उतार लेंगे, और जो हमारे ये सीधे वाले फंदे हैं इनको हम वापस सिलाई में डालेंगे ऐसे, और इनको हम ऐसे सिलाई में डालकर फ्रेंड्स पहले हमारे जो ये तीन फंदे हैं इनको ऐसे हम लेकर और इनको वापस उसी सिलाई में डाल देंगे, और फिर इन तीन फंदों का हम एक कर देंगे। ऐसे फिर हम अपने ये दो फंदे सीधे बना लेंगे, ऐसे दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे। जो हमारा ये बीच वाला फंदा है इसे भी हम ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर फ्रेंड्स हमारे जो ये इधर वाले पांच फंदे हैं इनको हम नीचे उतारेंगे, और पहले हम पीछे वाले दो फंदों को दूसरी सिलाई में डालेंगे और तीन फंदों को हम उसी सिलाई में डालेंगे, फिर हम उसी सिलाई में इन दो फंदों को भी डाल देंगे, फिर इन दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे, और जो हमारे ये तीन फंदे हैं इनको हम ऐसे लेके पीछे से तीन का एक कर देंगे, फिर हमारे दो फंदे ये उल्टे ऐसे बनेंगे। फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई ऐसे रिपीट होती जाएगी। एक बार हमारी पत्ती इधर बनती है, एक बार हमारी पत्ती इधर बनती है। देखिए ये पत्ती सड़ जाए लगता है। अब मैं ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम इन तीन फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे, फिर इनको नीचे उतार कर और इन दो फंदों को हम वापस उसी सिलाई में ले लेंगे, और तीन फंदे हमारे इस सिलाई में आ गए, फिर हम इन तीन को इसी सिलाई में वापस डाल देंगे, फिर हम इनको ऐसे तीन का एक कर देंगे, और इन दो फंदों को हम सीधा बना लेंगे, फिर बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब ऐसे ही हम इधर भी कर सकते हैं। पहले हमारे जो ये दो फंदे सीधे वाले हैं
इनको हम इधर वाली सिलाई में ले लेते हैं ऐसे, और इनको नीचे उतार कर फिर हम इन तीन वाले फंदों को इसी सिलाई में दोबारा डाल लेंगे, और इन दो फंदों को हम फिर दोबारा इसी सिलाई में डाल देंगे ऐसे। अब हम ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे, और फिर हम इन तीन का एक ऐसे पीछे से कर देंगे, फिर आगे धागा करके हम ये दो का एक करेंगे, फिर धागा पीछे करके हम इसको सीधा बुना लेंगे। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स हम वैसे ही करेंगे, पहला फंदा हमारा ये उल्टा बुना जाएगा, फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके दो फंदे, तीन फंदे उल्टे, और जो हमारा ये बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे बिना बुनाई उतारेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके ये सीधा, ये पूरी सिलाई ऐसे ही निकलेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये उल्टी सिलाई निकाल ली है, पहले एक फंदा उल्टा निकाला, फिर दो फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, और बीच वाला हमने ये फली वाला फंदा बिना बुना उतार लिया है, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर दो सीधे, तीन उल्टे, फिर एक बिना बुना उतारा है, ऐसे पूरी रिपीट कर लिया फ्रेंड्स। ऐसे बना के फ्रेंड्स ये चार सिलाइयों का डिजाइन है, देखिए ऐसे दिखता है बनने के बाद, और ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप कार्डिगन में डालिए। थैंक यू फ्रेंड्स।